सो हे गाइस, वेलकम इन द वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी ड्राइंग कंपैरिजन में और क्या डिफर रहे वो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप दैट आपको ये ड्राइंग अच्छी लगी। नहीं, वन ईयर हो चुका है इसका कम्प्लीटली, तो मैंने इसको ही रीमेक करने की कोशिश की है। नेक्स्ट ड्राइंग इसकी जो मैंने रीमेक करके बनाया वो आप देख सकते हो गाइस। काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत लगाई है इस ड्राइंग में भी। Nice. मैं फाइल में से बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि खराब हो जाएगी फिर, तो फिक्सेटिव नहीं किया हुआ इसलिए। तो अगर मैं आपको बताऊँ क्या क्या डिफर रहा, क्या क्या एक्सपीरियंसेस मैंने किए इन दोनों ड्राइंग को करने में, वो मैं बता दूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखें, मैं ग्रिड्स का यूज़ किया है। मैंने ग्रिड्स कैसे बनाए हैं उसका वीडियो आ ही गया होगा, आपने देख लिया होगा। तो ये उसके बाद है, मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो आप देख सकते हो। इसका डार्क पोर्शन है वो यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से किया हुआ है, लेकिन बिल्कुल प्रपोर्शंस अच्छे नहीं है। मेन बात मैं आपको बता दूँ, देखिए अपने फेस पे शेडिंग मैंने बिल्कुल नहीं की, यहाँ पे मैंने फेस पे शेड किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये मेन डिफर रहता है। आईज देख लीजिए, आईज यहाँ पे बिल्कुल कोई भी चीज़ हल्के में मत लेना गाइस। मैं पहले ऐसा करता था कि अगर मान लो ईयर हो गया या फिर जो पीछे का जो ये होता है कैप्टन अमेरिका की जो भी बोलते हैं, तो ये भी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा इस पर ध्यान देना नहीं है हमें, इस पर ध्यान देना है मेन इतना पोर्शन पे। तो ऐसा नहीं करना है गाइस आपको, वो मुझे मिस्टेक लगी मेरी। तो देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन से बनाने का ट्राई किया है, तो आप भी वही ट्राई करो, परफेक्शन से बनाओ। फेस की शेडिंग पर वीडियोज आ जाएगी और उस पर तो आती ही रहेंगी, क्योंकि फेस शेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर दूसरी बात मैं बताऊँ, यहाँ पे मैंने टेप लगाई है, तो जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुआ है। पेपर पील नहीं हुआ क्योंकि ब्रुष्टो का पेपर है ऑब्वियसली, एंड ये भी A4 ही है बट येलोइश पेपर है, कार्ट्रिज पेपर है, तो ऐसा है थोड़ा। और आप देख सकते हो दोनों डिफरेंसेस, ये बिल्कुल फ्लैट फेस है जबकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स दी गई है। आइज देख लीजिए, आइज में भी मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स दी है। नोज़ देख लीजिए, नोज़ में भी मैंने डार्क शेड दिया है। लिप्स में भी मैंने इसमें ट्राई किया है, नहीं बन पाया अच्छे से, उस पर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो हो जाएगा। एंड कैप्टन अमेरिका की जो ये होती है जहाँ से पट्टा होता है, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे डिटेल्स दिए जिससे ड्राइंग थोड़ा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैंने बनाई, मैं आपको पूरी बता देता हूँ। तो ये है दोनों ड्राइंग के कंपैरिजंस, मैंने आपको बता दिया क्या क्या मैंने मिस्टेक्स की। कोई भी चीज़ को हल्के में नहीं लो, जो भी शेड करो कंप्लीट करो, ब्लेंड करना है तो करो। और ब्लेंड करने के बाद देखिए यहाँ पे जो पट्टी मुझे बाकी रखनी है वहाँ पे मैंने टॉम्बो मोनो कर दिया, क्योंकि उस पर बिल्कुल भी शेड नहीं जाना चाहिए। भले टिश्यू से मैंने बिल्कुल सभी जगह पे कर दिया, लेकिन रफ कर देना है आसपास का, तो वो भी ध्यान रखना। आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।